साल आजकल अंग्रेज भी कंगाल हो गए। माफ कीजिएगा। चलो पुलिस स्टेशन। काय को पुलिस स्टेशन जाओ? पुलिस भी मरमल चोरी के जुर्म में। चुप। किसने की चोरी? कब किया? हमने अंग्रेज के कपड़े भी चुराए और उसके पैसे भी चुराए। कपड़े और पैसे? अरे उस साले भिखारी के जेब में से एक फूटी खोड़ी भी नहीं निकली। एकदम नंगा फकीर था। लेकिन तुम्हें उस बंदर के कपड़ों का इतना ख्याल क्यों? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? साला है? दामाद है? दामाद नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा। अरे पड़ेगा ही, दूसरों के लफड़ों में पड़ेगा तो थप्पड़ का जूता भी पड़ेगा। क्या है? क्या क्या खिसक रहा है क्या? पैतर को इतना दर्द है ना तो ये ले और जाकर दे दे, और ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे जैसे निकालूंगा। चल मान निकाल। मुझे अभी अभी 20,000 रुपया चाहिए और 20,000 के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो आस पास कोई ऐसी जगह बता जहाँ मैं रात को डाका डालूंगा। अगर ये भी नहीं है तो बल किसी का खून कर दूं जिससे मुझे 20,000 रुपया मिल जाए। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो अपना दिमाग मत खराब कर। अच्छा हेलो भैया। ओ भैया। अरे रुक जाओ यार, 20,000 में कोई भी काम करने को तैयार हो जाओगे? अरे क्या मतलब इज्जत का काम करूंगा? और चोरी करना क्या इज्जत का काम है? ए, तू मेरा दिमाग मत खराब कर जा रे। एक काम है मेरा, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी 20,000 की समस्या सुलझा दूंगा। काम क्या कराना चाहते हो? कल से आने वाले 14 दिनों तक एक लड़की के पति होने का रोल अदा करना पड़ेगा। नाटक? नाटक में नहीं, असली जिंदगी में। ए, तुम पागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, तुम्हें हकीकी दुनिया में एक असलियत की जिंदगी में नाटक खेलना होगा। मैं तुम्हें 14 दिन में 20,000 रुपया दे सकता हूँ। जरा सोचो, इतने कम वक्त में इतनी सारी रकम और इतनी इज्जत किसी किस्मत वाले को ही मिलती है। तुम काम क्या करते हो? वकील हो। कहीं तुम मुझे गहरे कुएं में ढकलने का प्लान तो नहीं बना रहे? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें खुलासे से समझा रहा हूँ। सब कुछ समझ जाओ और उसके बाद ये काम करना अपने दिल से समझ के। जरा दूर हटना, मैं कह रहा हूँ जरा दूर हट। अरे दूर हट यार। हाँ अब ठीक है, खड़ा रहा।